ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क, कफन पे लिखते हैं यानी कफन के अंदर रखते हैं, बिल्कुल नजायज़। पूरे हदूद हरम में एक कलाक मिलता है। हजूर की जाली के सामने खड़े होकर जब सलातो सलाम पढ़ें तो हजूर सुनते हैं, और बाद रिवायात में है कि जवाब भी देते हैं। हमारे ग्रुप में 10 औरतें हैं, उनमें 2 शिया हैं, उनके साथ खाना पीना जायज़ है। वो तो सुन्नी औरत के साथ भी खाना पीना नाजायज़ है, तो उनसे अपनी बीवी के साथ खाओ, बाकियों के साथ क्यों खा रहे हो मिल के? अच्छा उम्रा कर रहे हो, औरतों के साथ मिल के खाने खाते हो, उम्रे का फायदा। उम्रे एहराम के बाद हैज आ गया, होटल में एहराम खोल दिया, उसने कौन सा एहराम बांधा हुआ था? जो सफेद कपड़ा बांधा हुआ, जब पाक हो जाए उम्रा करे, औरत का कोई एहराम नहीं। जमजम या बीर रोहा का पानी छुपा कर ले जाए, तुम जानो एयरपोर्ट वाले जाने, मुझसे क्या पूछते हो? जमात की शक्ल में औरतें तरावी पढ़ सकती हैं, हाँ पढ़ सकती हैं। जिक्र करने से तबीयत पर बोझ आता है, आखिर शैतान को जो तकलीफ होती है उसने भी तो कुछ करना है ना। आप जिक्र करते रहें, बोझ खुद उतर जाएगा। जिक्र से ही तो इत्मीनान है दिल का। अल्लाह बिज़िक्र इल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मदीने मुनव्वरा में रहें तो दरूद इब्राहिम भी पढ़ें। हतीम में 2 रकात से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 100 रकात पढ़ो। मैंने दुकानें किराए पर दी हैं, एक दुकान में हज्जाम है, उसका किराया भी आपके लिए हलाल है, वो गुनाह उस पर है, आप पर थोड़ा है। मेरी वालदा ने उम्रा किया, बाल नहीं कटवाए, 3 दिन के बाद बाल कटवाए, अल्लाह कबूल फरमाए, बूढ़ी औरत है तो कोई हर्ज नहीं है। 6 साल पहले मैंने उम्रा किया था, सर के बाल मुख्तलिफ जगहों से कैंसी से कटवाए थे, 3 साल या 6 साल पहले मक्का में गरीबों में तकसीम, गरीब में तकसीम करने से दम अदा नहीं होता। दम का माना होता है बकरी खरीद के जिबे करके गोश्त तकसीम कर। मगरिब के बाद पहले 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ो, फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ो। कहते हैं जी के आप कल विलादत मुस्तफ़ा बयान करें, जा जो रहे हैं पाकिस्तान, वहाँ कदम कदम पे बयान हो रहा है, वहाँ जाके सुन लेना ना। जिनको आज तक ये पता नहीं, कहते 12 रबी अव्वल को पैदा हुए, ये 101% झूठ है। हजूर तो 12 रबी अव्वल को पैदा नहीं हुए, 12 रबी अव्वल को फौत हुए हैं, ये वफात की खुशी मना रहे हैं। आपकी पैदाइश तो 9 रबी अव्वल है। आजकल तो अल्लाह के बंदे, दुनिया इतना तरक्की कर गई है, किसी पढ़े लिखे बंदे को कंप्यूटर पे बिठा दो, वो डेट निकाल के आपको बता देगा कि 12 रबी अव्वल को सोमवार का दिन बनता है। बस एक ख्याल है, दीन थोड़ा है, नमाज नहीं पढ़ेंगे, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं खड़े होकर, क्या फायदा है? मेरा सवाल यह है कि लड़की का इरादा हो लेने का, क्या लेने का? जब वजाहत नहीं, मुझे क्या पता क्या लेने का इरादा हो। सफ़ों का इत्तिसाल कोशिश किया करें, बाकी अगर अगली सफ़ नजर आए नमाज हो जाती है। नमाज इमाम के आगे नहीं होती। मोहम्मद नाम रखना ठीक है, सिर्फ ठीक नहीं, बरकत है, हजूर का नाम रखा करो। सहन में भी 1 लाख मिलता है, लेकिन अगर सफ़े मिल जाए तो इसी नमाज का सवाब मिलेगा। दौरान तवाफ वजू नहीं रहा, वजू करके फिर इब्तदा से शुरू करें। हालत एहराम में माहवारी आ गई तो जब तक पाक न हो वो उम्रा नहीं कर सकती।
एहराम से कैसे निकलेगी, इसी तरह निकलेगी, बैठी रहे जब पाक हो जाए तो उमरा करें। मर्द और औरत की नमाज में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, मर्द इमाम बनता है औरत इमाम नहीं बनती, मर्द के लिए अगली सफ़ अफजल है औरत के लिए पिछली सफ़ अफजल है, और औरत सजदे के वक़्त भी अपनी टांगें एक तरफ निकाल के ज़मीन से लग के सजदा करें। मियाँ बीवी अगर बच्चों का वक्फ़ा करते हैं, वक्फे की गोलियाँ खाती उसके बावजूद अमर जो होता है, दोबारा गोली खाते खून आता है अमर ठहरा रहता है, ये बीमारी है। हम दूर दराज से उम्र पे आए मुसाफिर हैं, इसमें कोई शक है? हर उम्र वाला मुसाफिर है। एहराम की हालत में बंदा सो जाए और उसको एहतलाम हो जाए, गुस्ल कर ले, अपना उम्रा पूरा करे। कहते जी कि जिन्नात जो है वो भी हज और उम्रा करते हैं, क्यों आपको मिलने का शौक है क्या? अल्लाह के बंदे तुम करते हो, वो क्यों नहीं करते? वो भी तो मुसलमान होते हैं। हजूर के पास नहीं आए सरफना आए देखा नफर मिन जिन्न यस्तमीउन अल-कुरान, कुरान में मौजूद है। हमारा एक हमसाया शिया है, बिल्कुल उससे हमदर्दी करें, उसको खाना दें, खाना खिलाएं। हमदर्दी से तो अल्लाह ने मना नहीं किया। मैं हनफी मसलक भी उमरा किया, सफाक बहाल नहीं किया, थोड़े थोड़े बाल काटे हैं, दम पड़ गई। नियाज खाना जायज़ है, बिदत है। दम का माना जब वाजिब छूट जाए तो दम देनी पड़ती है। अगर हम दोबारा उमरा करें तो मस्जिद आयशा से जराना से कर सकते हैं। मेरे दोस्त कराची से हैं, उनका निकाह हुआ, लड़की वाले रुख्सती नहीं कर रहे, उन्हें तलाक का मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, बाद में जो झगड़े होते हैं अभी से तलाक दे दो जान छूटी। जिन लोगों का ये हाल है कि रुख्सती से पहले तलाक मांग रहे हैं, दफा करो। कहते थे कि सफ़ेद रुमाल होता है रुकन यमानी के सामने नमाज़ें पढ़ते, मुझे क्या पता कौन है। मैं वालिदैन के साथ उमरे के लिए आया था, मैंने एहराम नहीं बांधा, ना ही उमरे की नीयत की, दो दिन के बाद मैंने मस्जिद आया। अगर आप बालिग हैं तो आप पर दम पड़ गए, अगर छोटे बच्चे हैं तो कोई हर्ज नहीं। चप्पल जो गायब हो जाते हैं अपनी चप्पल बांध के अपने आगे रखो। नरीना औलाद के लिए सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें।